हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में देखेंगे कि ये ऑर्बीज जो हम पानी में सोक करते हैं और फिर ये बड़े हो जाते हैं, ये 90% वाटर से बने होते हैं और सिर्फ 10% बाकी का मटेरियल। तो हम देखेंगे कि जब मैं इसको कोई गरम पैन पे डालता हूँ तो क्या होता है। तो जब हम पानी के एक ड्रॉप को एक बहुत ही गरम पैन पर डालते हैं तब वो ऐसे आगे पीछे सिजल करने लगता है और आगे पीछे घूमता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट की वजह से उस पर एक लेयर बन जाता है जो उसे इवेपोरेट होने से रोक लेता है। तो जब हम इन्हें डालेंगे गरम पैन पे तो देखते हैं कि क्या होता है। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं इस वेसल को इस इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर रख देता हूँ और फिर मैं जो आपको लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट के बारे में बता रहा था वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मेरे पास ये छोटा सा स्पॉन्ज का पीस है और मैं इसे पानी में डालकर एक ड्रॉप इस गरम पैन पर डाल दूँगा। आप देख सकते हैं कि ये कैसे आगे पीछे भागता है और ऑर्बीज भी 90% पानी से बना होता है। तो जब हम ऑर्बीज को इसके अंदर डालेंगे फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं पहले एक ऑर्बिस से स्टार्ट करता हूँ। वो ये तो बाहर आ गया। वो अब देख सकते हैं कि ये किस तरह अंदर नाच रहा है। वो और आप आवाज तो सुन ही पा रहे होंगे। और ये साइड में चिपक जा रहे हैं पता नहीं क्यों। आप देख सकते हैं कि ये एक जगह पर चिपक जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।